हाय गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल जी पर। आज मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कौन कौन सा आरबीआई मतलब कि फ्रॉड एप्लीकेशन बैन कर दिए हैं यहाँ पर प्ले स्टोर से। तो सारा कुछ लिख कर आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा बोर्ड पर आप देखिएगा कौन कौन सा एप्लीकेशन जो आरबीआई मतलब लिस्ट जारी की है, जो इस महीने में ये सब एप्लीकेशन बैन हुए हैं। तो पूरा कंप्लीट तक आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। तो सबसे नंबर वन पर यहाँ पर जैसे कि देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन आता है, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कैश कर कर आता है, ठीक है। कैश यहाँ पर एडवांस, यहाँ पर ये कैश एडवांस एप्लीकेशन। सेकेंड में जैसा कि देख सकते हैं कैश फीस, ये एप्लीकेशन हो गया सेकेंड में। थर्ड में जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कैश लाइट ये एप्लीकेशन है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर यहाँ पर आता है कैश रे, यहाँ पर ये एप्लीकेशन। फिफ्थ नंबर पर जैसे कि देख सकते हैं कैश रूम, ये एप्लीकेशन। तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशन जैसे कि मतलब कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल मतलब कि थे, जो लूटने का काम, ठगने का काम ये सब एप्लीकेशन मतलब कि करते थे, ठीक है। ये सब एप्लीकेशन जितने भी है लूटने का काम मतलब कि लोगों से ये करते थे, तो ये प्ले स्टोर से मतलब कि बैन हो चुका है। तो जैसे कि देख सकते हैं ये सब एप्लीकेशन है, यही सब एप्लीकेशन प्ले स्टोर से मतलब कि बैन हो चुका है। तो काफ़ी अजीबो गरीबो मतलब कि ये सब एप्लीकेशन का मतलब कि नाम रहा है यहाँ पर, काफ़ी अजीबो गरीबो मतलब कि ये सब एप्लीकेशन का मतलब कि नाम रहा है कि ये सब एप्लीकेशन मतलब कि प्ले स्टोर पर मतलब कि ये हाजिर है ये सब एप्लीकेशन। तो जो मतलब कि ये सब एप्लीकेशन है, तो हालांकि मतलब कि प्ले स्टोर से मतलब कि ये बैन हो चुके हैं और ये सेफ मनी भी है, ठीक है, इसमें सेफ मनी भी है। तो बहुत सारा एप्लीकेशन है भाई लिखने का, मतलब कि इतना सारा एप्लीकेशन है मोबाइल में जैसे कि आप देख सकते हैं, अब कितना हम बता आपको नहीं सकते हैं कितना ये सब एप्लीकेशन मतलब कि अवेलेबल थे ये सब प्ले स्टोर पर। हालांकि मतलब कि बैन हो चुके हैं आरबीआई के द्वारा, मतलब कि यहाँ पर बैन कर दिया गया है ये सब एप्लीकेशन। तो ये सब एप्लीकेशन मतलब कि हट चुके हैं प्ले स्टोर से, ये सब एप्लीकेशन मतलब कि हट चुके हैं अब, मतलब कि ये सब एप्लीकेशन नहीं रहे जो ये सब एप्लीकेशन है। तो यही सब सारा कुछ एप्लीकेशन था जो आरबीआई मतलब कि ये बैन कर दिया, आरबीआई ये सब एप्लीकेशन को मतलब कि बैन कर दिया है। ये सब जितना भी एप्लीकेशन है ये सब एप्लीकेशन को मतलब कि बैन कर दिया। रॉयल कैश, यहाँ से मोबी क्विक मतलब कि जो मोबी विक आता है एप्लीकेशन जो एनबीएफसी है उसी के नाम से मतलब कि मोबी क्विक की एप्लीकेशन, और एम पॉकेट कर का मतलब कि एप्लीकेशन। भाई साहब, किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन सा एम पॉकेट ये एप्लीकेशन है, वो एनबीएफसी वाला है कि फ्रॉड एप्लीकेशन है। सेम ऐसा ही नाम लिखा है, ठीक है, एम पॉकेट सेम ऐसा ही नाम लिखा है उस एप्लीकेशन का, एम पॉकेट। उसके बाद एप्पल कैश, उसके बाद रूपी स्लेम, एचडी क्रेडिट, एचडीबी लोन, यही सब तमाम मतलब क्रेडिट मतलब कि मैंगो मिनट कैश, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मतलब थे। ये जितना आप मोबाइल में देख रहे हैं यही सब एप्लीकेशन है जो मतलब कि ये बैन हो चुका है आरबीआई के मतलब कि गाइडलाइन के द्वारा। लेकिन हालांकि और भी बहुत सारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है वो मतलब कि बैन नहीं हुआ है, वहाँ पर देखने के लिए मिलता है ये क्रेडिट सेव मनी तो बैन हो चुका है, लेकिन उसी नाम से एक और एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आ चुका है जो मतलब कि काफ़ी दिनों से ब्लैकमेलिंग और हैरेसमेंट का मतलब कि काम जारी रखा है कि मतलब कि आपको ब्लैकमेल करे, हैरेस्ट करे, धमकी दे, तमाम तरह के मतलब कि ये सब सारी चीज़ मतलब कि जब भी हम वीडियो डालते हैं तो लोग बोलते हैं कि हम भाई ये एप्लीकेशन फंस चुके हैं, हम क्या करें क्या नहीं करें। देखिए, सिंपल सी बात आपको बता देना चाहता हूँ क्या करना चाहिए। आपको सिंपल से इग्नोर करना चाहिए, ठीक है, आप सिंपल से इग्नोर कीजिए ऐसे एप्लीकेशन को। आपको तो रिपेमेंट एकदम नहीं करना, रिपेमेंट आपको नहीं करना ऐसे एप्लीकेशन का। कॉल मैसेज को आपको इग्नोर करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, जितना आप टेंशन लीजिएगा उतना आपके दिमाग पर हावी होगा। मान लीजिए कोई भी ब्लैकमेलर है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी ये ब्लैकमेलर हो गया, यदि आपको ब्लैकमेल कर रहा है, बोल रहा है कि कुछ आपका फोटो है 10,000 दे दो, तो उसके झांसे में आ चुके हैं और पैसा दे दिए। मान लीजिए है भी नहीं तो पर ब्लैकमेल आपको कर रहा है, आप इसको पैसे मतलब कि दे दिए तो उसका लालसा और मतलब कि मनोबल और बढ़ जाएगा और आपको ब्लैकमेल करने लगेगा, बोलेगा 10,000 कल, 20,000 मांगेगा, 30,000 मांगेगा, 40,000, 50,000, ऐसे मांगते मांगते जाएगा। बाद में आपको थक हार कर यही करना होगा, चाहे पर पुलिस कंप्लेंट आपको
लास्ट में आपको करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अभी मतलब कि इस पर एक्शन लिया जाए, अभी मतलब कि सारा काम ये कर दिया जाए। तो ये सब एप्लीकेशन है, हम बोर्ड पर लिखकर आपको हम बता दिए कौन कौन सा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, मतलब कि ये सब एप्लीकेशन RBI के द्वारा बैन हो चुका है। तो सोचे कि एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए, आपको दिखा दिया जाए, बता दिया जाए कौन कौन सा एप्लीकेशन है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको बता देना चाहता हूँ, अभी कोई भी एप्लीकेशन है फंसे हुए हैं तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, तो इंस्टाग्राम पर आकर मतलब कि बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो NBFC से भी हम मतलब कि जानकारी लेते हैं और फ्रॉड एप्लीकेशन से भी जानकारी लेते हैं। तो NBFC में भी काफ़ी लोग फंसे रहते हैं, रिंग एप्लीकेशन किस्त ऐसे तमाम एप्लीकेशन में फंसे रहते हैं, हम बताते रहते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं और अपना मतलब कि जो भी है आप बता सकते हैं क्या हुआ करे क्या नहीं करे, सारा कुछ आपको हम बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए जितना ये एप्लीकेशन ये सब बैन हो चुके हैं और भी एप्लीकेशन बैन होने वाले हैं, तो ऐसे धीरे धीरे बैन होते रहेंगे, तो आपको बताते रहेंगे कौन सा एप्लीकेशन बैन है। बाकी आपको रिपेमेंट नहीं करना है, कॉल मैसेज आता है आपको इग्नोर करना है, एक महीना इग्नोर कीजिए कॉल मैसेज को, उसके बाद सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। तो ये आप काम कीजिए, बाकी और कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट वीडियो देखें तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे वीडियो से आपको क्या हम बोलना चाहते हैं क्या नहीं बोलना चाहते। हालांकि बहुत सारा एप्लीकेशन देखिए यहाँ पर बहुत सारा एप्लीकेशन है, अब बताइए हम कितना एप्लीकेशन मतलब कि यहाँ पर बोर्ड पर लिखे, कितना एप्लीकेशन लिखे आप बताइए। जितना भी एप्लीकेशन है ये मेन एप्लीकेशन थे जो मतलब कि ये बैन हुए हैं काफ़ी दिनों से, मतलब कि ये नज़र में थे, RBI की नज़र में थे, काफ़ी ब्लैकमेलिंग, काफ़ी मतलब लोगों से पैसा है था, और इसके चक्कर में मतलब कि सुसाइड भी मतलब कि तरह तरह का लोग मतलब कि कर लेते हैं और धमकी उमकी देता है तो सुसाइड भी लोग कर लेते हैं। तो ऐसा एप्लीकेशन मतलब कि बैन होना चाहिए प्ले स्टोर पर, पूरा खाली होना चाहिए और भी सख्ती के साथ मतलब कि पहले से नियम लगाना चाहिए, जो फर्जी एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक मतलब कि बैन हो जाए, तो ऐसा नियम लगाना चाहिए। कैसे यूट्यूब पर होता है कि मान लीजिए कोई भी कंटेंट अपलोड करेंगे तो पहले मतलब कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे देता है, ये खराब कंटेंट है यूट्यूब का खिलाफ है, तो ऐसे ही प्ले स्टोर को भी नियम लगाना चाहिए, गूगल को भी नियम लगाना चाहिए। हालांकि यूट्यूब भी गूगल का है लेकिन वहाँ पर नियम है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नियम नहीं है। तो होगा फ्यूचर में होगा, यहाँ पर भी नियम लगेगा। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, बाकी की तरह यही बोलना चाहते हैं लास्ट में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सारा कुछ कर दे। तब तक कि नहीं मिलते किस नेक्स्ट ऐसे वीडियो में, जय हिंद जय भारत।